हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। गाइस सी, ये लुक मैंने स्पेशली क्रिएट किया है क्रिसमस के लिए। बट आप ये सोचोगे क्रिसमस में तो रेड एंड व्हाइट कलर ज्यादा सब पहनते हैं, तो मैंने ब्लू कलर के आउटफिट पे क्यों बनाया वीडियो। तो जरूरी नहीं है कि आप रेड या व्हाइट कलर का ही पहनो, अगर जिसके पास नहीं रहेगा तो फिर वो खरीदे थोड़ी जाएगा। चलो खरीदने वाले लोग खरीद भी लेंगे, बट कुछ लोग नहीं भी खरीद सकते हैं। मेरे पास जो भी रेड और व्हाइट कलर था उसमें मैंने वीडियो बना चुकी थी बहुत बार, तो मैंने सोचा चलो जो मेरे पास है मैं उस पर ही वीडियो बनाती हूँ। बाकी लुक मैंने ऐसा क्रिएट किया है कि आप वो रेड आउटफिट के साथ या फिर व्हाइट आउटफिट के साथ किसी के भी साथ आप ये लुक कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड बहुत ही मस्त हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ही लाइट सा मेकअप किया, डे टाइम के हिसाब से मैंने मेकअप किया है। आप नाइट टाइम के हिसाब से आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो नाइट टाइम में ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही टू गुड लगेगा। एंड आउटफिट मैंने रेड एंड व्हाइट नहीं पहना है तो उसको इग्नोर करिएगा, ओके। बट लुक ऐसा है कि आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, मतलब ये लुक कर सकते हो, ओके। सो आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करिएगा। सो चलो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पिलग्रिम का रेड वाइन टोनर। तो सबसे पहले मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी अप्लाई कर सकते हो, जो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। फिर मैंने मॉइस्चराइज़र स्किप किया क्योंकि सीरम, मैं आज सनस्क्रीन सीरम अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने अप्लाई किया है पिलग्रिम का SPF 50 PA ट्रिपल प्लस वाला, UVA UVB से प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन अप्लाई किया जो मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, इसके लिए मैंने मॉइस्चराइज़र स्किप किया, ओके। फिर मैं लिप सीरम अप्लाई कर रही हूँ लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर अप्लाई करेंगे प्राइमर, प्राइमर की जगह आप चाहो तो रोज़ ये एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। क्योंकि बेस मैंने काफ़ी लाइट रखा है, बहुत ही सिंपल सा रखा है बेस इसके लिए। एंड मेरे चिन एरिया पे और नेक एरिया पे थोड़ा सा ब्लैकनेस दिख रहा होगा, उसका रीज़न यही है कि मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बनाती हूँ और मैंने जो स्टैंड लगाया था मोबाइल का ना, वो मेरे चिन और नेक एरिया पे उसका होता है ना पड़ रहा था लाइट, इसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, बट मेरा ब्लैक नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो में जब एडिट करें तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने स्टैंड लगाया था उसका रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे ही पड़ रहा था और वो एरिया ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, बट क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। फिर मैंने क्या बोलते हैं सीसी क्रीम अप्लाई किया, लैक्मी का सीसी क्रीम, बहुत ही लाइट बेस रखा, बस वन लेयर अप्लाई किया है, ओके। और फिर NYB का कॉम्पैक्ट से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे ताकि कहीं से भी स्वेटिंग ना आए, वैसे विंटर टाइम है तो स्वेटिंग नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने आईब्रोज को फिल किया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल के साथ अच्छी तरीके से। फिर बहुत ही लाइट सा मेकअप कर रही हूँ, तो मैं SFR का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से ये ब्रॉन्ज़र सेट लेके अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर ब्रॉन्ज़र वाला लुक दूंगी। क्योंकि जब आप बेस अप्लाई करते हो ना, मतलब कि सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, कंसीलर कुछ भी अप्लाई करते हो ना, तो फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, बस एक जैसा हो जाता है, तो उसको एक नेचुरल शेप देने के लिए हमें ब्रॉन्ज़र अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अच्छी तरीके से ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लिया। फिर मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि विंटर में ब्लश आई लव, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। बेस मेकअप मैं हल्का हल्का थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ प्रॉपर। फिर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही लाइट सा, क्योंकि डे टाइम मेकअप है, आप इसको नाइट टाइम में भी कर सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा लाउड कर सकते हो मेकअप को, अपने हाथ में है मेकअप को आपको लाइट रखना है कि लाउड रखना है, ओके। सो बहुत ही लाइट लाइट से मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि क्रिसमस पार्टी ज़्यादातर तो होता है दिन में, सब घूमने उमने जाते हैं दिन में, चढ़ जाते हैं और रात को भी जाते हैं, बट इतना हैवी मेकअप मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। बट आप चाहो तो हैवी भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर बहुत ग्रैंड पार्टी में जा रहे हो तो, और लाइट कम पार्टी में जा रहे हो, कम मेकअप पसंद है तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। फिर जो मैंने ब्रॉन्ज़र अप्लाई किया उसी को मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं आज लिपस्टिक से अप्लाई करने वाली हूँ आईलाइनर, तो रेड लिपस्टिक से मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी, ओके। आप देख सकते हो इनसाइड का रेड लिपस्टिक लिया मैंने, लिक्विड लिपस्टिक, और एक पेंसिल ब्रश के साथ आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन हो गया, थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन हो जाता है, ओके। सो थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ना इसके लिए। अब मेरे पास और कोई कलरफुल आईलाइनर था नहीं, मुझे रेड कलर का ही अप्लाई करना था, तो मैंने सोचा चलो लिपस्टिक से ही अप्लाई कर लेते, अच्छे तरीके से हो भी जाता है, एक पेंसिल ब्रश के साथ अप्लाई करोगे तो।
सो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ हुआ है। और सेम इसी लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर लूँगी एज अ लिपस्टिक, लिपस्टिक है तो लिपस्टिक के लिए रेड कलर ही अप्लाई करूँगी। आप अपने हिसाब से चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो जैसा आपको पसंद है। ओके, फिर वेला वॉस्टे का मैंने मस्कारा अप्लाई किया, अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे मस्कारा। मैंने फॉल्स साइलेंसर अप्लाई नहीं किया, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने स्किप किया है। ओके, सो मस्कारा मेरा यहाँ पे डन होता है। अभी मैं इयररिंग पहन ले रही हूँ, तो मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहना है एंड मैंने पोनीटेल बना लिया है, तो सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा लुक रेडी हो गया। मैंने वॉच भी पहना है, आप देख सकते हो। सो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। यही तो मेरा आज का मेकअप वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।